चैनल प्रतिभा टेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। लगा रही हूँ मैं नेल पॉलिश, नहा करके, पूजा करके, नाश्ता करके और खाना का बहुत सारा काम करके आ गई हूँ। और बहुत दिन से ना मैं नेल पॉलिश नहीं लगाई थी, तो बस आज लगा ले रही हूँ नेल पॉलिश। और यहीं पे हस्बैंड बैठे हुए हैं, बोल रहे हैं कि फिर नेल पॉलिश लगा रही है, खाना में गिराएगी आज नेल पॉलिश। तो लगा लेती हूँ, थोड़ा देखते हुए खाना बनाऊंगी। और क्या, नहीं लगाने से भी अच्छा नहीं लगता है। और एक हफ्ते से गेहूं धो करके रखी, तो उसको भी डालूंगी धूप में, क्योंकि आज धूप अच्छी वाली आई है। अब शाम तक क्या होगा पता नहीं, पर अभी तो ठीक है। तो अभी डाल देती हूँ गेहूं। और मेरा जो पीछे वाला किचन गार्डन है ना, पीछे वाला, उसमें खीरा और बैंगन शायद अभी आया है, कुछ निकला है, तो उसको भी तोड़ करके लाऊंगी। और तो उसको तो रख दूंगी फ्रिज में, उसको बनाऊंगी नहीं। अभी मैं बनाऊंगी क्या, गट्टे की सब्जी। तो चलिए, नेल पॉलिश का सूखने का मैं इंतजार कर ले रही हूँ। तो बस आप लोगों से बात करके और नेल पॉलिश मेरा सूख गया, तो यहाँ पे आ गई हूँ आंगन में। और देखिए आंगन में धूप बहुत अच्छी वाली धूप आई हुई है, क्योंकि अभी हम लोग के यहाँ झारखंड में ना 8 से 10 दिन से लगातार सुबह में, दोपहर में, शाम में, किसी भी वक्त, बिना वक्त का वक्त लिए हुए ही बारिश शुरू हो जा रही है। उसका कोई अभी टाइम फिक्स नहीं है कि सुबह में बारिश शुरू होगा, दोपहर में होगा या शाम में होगा, कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो अभी धूप हुई है तो सोची कि चलो यहाँ पे रख देती हूँ गेहूँ, ताकि सूख जाएगा। और कीड़ा भी लग गया है, जैसे खून होता है ना वो वाला, एक दो दिखाई पड़ गया। तो कड़ी वाली धूप है, तो अभी मैं डाल दे रही हूँ, सूख जाएगा। और कुछ लोग को मैं देखती हूँ ना, कि जो कपड़ा खाली है गेहूँ वाला, वहाँ पे ना लोग पैर रख कर गेहूँ को पसारता है, मतलब कि फैलाता है लोग। तो हम लोग वैसा नहीं करते हैं, वैसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि खाने का चीज़ है ना, तो थोड़ा सा ध्यान इस सब चीज़ का रखना ही चाहिए। तो बस गेहूँ फैला करके मसाला उड़द बड़ी बनाई थी, तो उसको रख दी और बाल्टी वहाँ साइड में कर दी। और यहाँ पे मैं पहन रही हूँ चप्पल। चप्पल जैसे कि बाहर में जाने के लिए मेरा अलग चप्पल रहता है, आंगन के लिए अलग चप्पल रहता है, और रूम में जाऊँ तो उसका अलग चप्पल रहता है। तो रूम में तभी मैं चप्पल नहीं पहन रही हूँ, क्योंकि पैर में ना मेरा लहर लगने लगता है, लहर देने लगता है, तो इसलिए मैं रूम में अभी चप्पल पहन के नहीं रखती। जैसे ही गर्मी शुरू होता है ना, बस मेरे पैर में लहर शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैं रूम में चप्पल पहन करके नहीं जाती। पर जब भी किचन गार्डन में गई या फिर आंगन में रही, तो देखती हूँ कि आंगन में भी, आंगन खुला आंगन है ना, तो डस्ट उस्ट आते रहता है, तो इसलिए चप्पल पहन लेती हूँ। और आ गई हूँ यहाँ अपने गार्डन में, और नेनुआ, बैंगन, खीरा ये सब लगाई, तो ढेर सारा सब्जी थी। पर क्या हुआ ना, खरगोश आकर के बैंगन को, तो उसका जो फूल रहता है ना, उसको काट दे रहा है। उसके अपने कद्दू लगाई हूँ, तो उसका भी पत्ता काट दे रहा है। तो इतना निकला सब्जी, जिसमें खीरा निकला, उसके बाद में बैंगन, भिंडी और पालक। तो अभी के समय में पालक मिल नहीं रहा है बाजार में, पर इतना पालक निकल गया, तो इसको मैं दाल में डाल करके बनाऊंगी। और ये है झारखंड का बैंगन, कांटा वाला, इतना सावधानी से काटी, पर फिर भी इसमें मेरा उंगली में चुभ करके खून निकाल दिया। झारखंड का बैंगन, बेकार बैंगन। और ये है बिहार का बैंगन, ये बैगनी वाला, बिहार में बहुत ज्यादा मिलता है, लुटकी बैंगन वो वाला है। तो इसका कलौंजी बहुत अच्छा लगता है, तो उतना तो नहीं निकला, एक दो निकला इसका, ये बैगनी वाला, और ये कांटा वाला ज्यादा निकला। झारखंड का बैगन, बेकार बैगन। झारखंड में रहते हैं, झारखंड के बैगन को बदनाम नहीं करते हैं, पर हाँ ये कांटा वाला बैगन बहुत खराब है। कांटा वाला बैगन नहीं लगाइएगा, ये वाला ठीक रहता है बिना कांटा वाला। झारखंड में ये कांटा वाला बैगन को लोग बहुत पसंद करता है, हमको अच्छा नहीं लगता। तो बस हस्बैंड के साथ नोक झोंक करके आ गई हूँ फिर से मैं किचन में, और बनाई थी नाश्ता, चाय, तो ये सब का जो है ना, सो सब बिखरा हुआ है, तो सबको मैं साफ़ कर ले रही हूँ। जिसका जहाँ पे जगह है वो सबको वहाँ पे मैं रख दे रही हूँ। और उसके बाद मैं किचन को, जैसे कि किचन को नहीं, किचन स्लैब को और गैस चूल्हा पे मैं थोड़ा सा हाथ इसको कपड़ा भिंगा करके और पोंछते रहे, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि अभी थोड़ा सा अगर जैसे कि रोटी बनाई और नाश्ता करने के लिए गई और आटा जो गिरा हुआ है ना स्लैब पर, थोड़ा सा टाइम मिला नहीं कि लाल वाला जो छोटा वाला चींटी रहता है ना, जो कि बहुत जोरों की काटता है, तो वो वाला आ करके क्या करता है ना, पूरे स्लेब पे घूमने लगता है। तो बस यहाँ पे मैं चावल का पानी चढ़ा दे रही हूँ बॉयल होने के लिए, चढ़ा दूँगी चावल। और इधर मैं सब्जी की तैयारी भी कर लूँगी, चावल धो करके डाल दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर मैं सब्जी की तैयारी भी कर ले रही हूँ, बना रही हूँ गट्टे की सब्जी। और खाने का मेरा बहुत सारा काम हो गया, बस यहाँ पर अब सब्जी बना ले रही हूँ। इसके लिए मैं गट्टे के लिए ली मिर्च पाउडर, काली मिर्च, नमक, अजवाइन और हल्दी। बस इसमें मैं बेसन में डाल दे रही हूँ, और उसके साथ हाफ चम्मच के करीब मैं तेल डाल दी, एक सवा चम्मच के करीब दही डाल दी, और थोड़ी सी मैं
इसमें बेकिंग पाउडर डाल दे रही हूँ, बस थोड़ी सी ही डाली थी चुटकी भर के, और बस इसको अच्छे से मिक्स कर ली पानी के साथ थोड़ा सा दे करके। इसको इस तरह से सॉफ्ट डो मैं तैयार कर ली, 10 मिनट के लिए छोड़ दी इसको ताकि अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद में ये इस तरह का हो गया है। तो थोड़ा सा तेल इसमें डाल करके और हाथ में तेल लगा करके इसको मैं अब गट्टे का रूप दे दे रही हूँ। उसके बाद में इसको पानी भी उधर चढ़ा दी बॉयल होने के लिए, तो उधर चावल भी तैयार हो रहा है, साथ में पानी भी बॉयल हो रहा है। तो बस इतना सा बेसन का मेरा 4 ठो गट्टा तैयार हुआ था इस तरह से। और इधर मैं दिखा दे रही हूँ कि देखिए ये पानी भी बॉयल हो गया है, तो इस गट्टे को मैं डाल दे रही हूँ। और जैसे ही डालने से ना क्या होता है कि नीचे चला जाता है, फिर 2 से 3 मिनट लगा था इसको, जैसे ही अच्छे से बॉयल हो गया और ये देखिए ऊपर आ गया है। तो गैस फ्लेम को स्लो करके इसको पकने के लिए छोड़ दी। और यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर और अदरक पीस करके रखी, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ थोड़ी सी लहसुन माने 8-10 कली, धनिया और जीरा, बस उसी को पीस कर पेस्ट बना ली। और इधर कढ़ाई में मैं डाल दी तेल, साथ में डाल दे रही हूँ जीरा, जीरा पक गया, तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ प्याज, और एक चुटकी में हींग डाली थी। तो बस एक मैं मिर्चा सूखा मिर्चा डाल दी तोड़ करके, और प्याज पक गया तो इसमें डाल दे रही हूँ मिर्च का पाउडर, मिर्च का पाउडर डाल करके, और जो मसाला पीस करके रखी थी ना धनिया जीरा और लहसुन उसको डाल दी, और उसको भून करके यहाँ पे मैं जो टमाटर का पेस्ट बना के रखी थी प्याज टमाटर अदरक उसको डाल करके इसको भूनने के लिए मतलब भून ले रही हूँ, और साथ में डाल दे रही हूँ नमक, और इसको ढक कर छोड़ दूँगी पकने के लिए। और ये देखिए पक करके मसाला और तेल अलग हो गया है। तो अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ छोटे वाले चम्मच से 2 चम्मच के करीब दही, और दही को भी अच्छे से मिक्स करके ढक कर छोड़ दूँगी ताकि दही मसाला जो भी है सो सब अच्छे से पक जाए। और ये गट्टे उबाल करके जैसे कि पक गया तो फिर उसको मैं काट के रख ली, वो भी ठंडा हो गया है। और ये देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से पक करके तेल छोड़ दिया है, जो भी तेल मसाला जो भी है सो सब पक गया अच्छे से। तो इसमें डाल दी मैं कसूरी मेथी, और साथ में डाल दे रही हूँ थोड़ी सी गरम मसाला, बस हो गया। और इसको मैं पानी डाल दूंगी, तो उससे पहले मैं इस गट्टे को डाल करके भून ले रही हूँ। और जब थोड़ी देर के लिए भून ली, और आप चाहे तो गट्टे को फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं नहीं फ्राई की, बस इसी तरह से मैं डाल दे रही हूँ इसी में। और इतना सॉफ्ट सब जैसे कि गट्टा हुआ था ना कि मैं क्या बोलूँ। देखिए यहाँ पर सब्ज़ी तैयार हो गया है, और कलर इसका कितना अच्छा आ रहा है ना। और ज़्यादा इसको मैं नहीं चला रही हूँ, क्योंकि क्या हुआ ना कि 1-2 बार चलाई चम्मच लगाई ना तो गट्टे जो है ना सो टूटने लगे, इतने सॉफ्ट हो गए थे। तो बस सब्जी तैयार है, मिलती हूँ आप लोगों से खाने के बाद। तो बस खाना पीना हम लोगों का हो गया है, और पूजा रूम को मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि भगवान को भी आराम करने का अब समय आ गया है, और मैं भी जाऊंगी अब आराम करने के लिए। और अब टाइम आ गया है आप लोगों से विदा लेने के लिए। तो चलिए आज के वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।